नमस्कार, मरुदा बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा 20 जून को विश्व जागृति दिवस मनाया गया। मंच के जिला संयोजक अभिषेक शर्मा ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान पर एक नया मंत्र देने के लिए मंच उनका अभिनंदन करता है। ये संदेह से परे है कि मानवता के सामने सबसे खराब महामारी के केवल सामूहिक वैश्विक प्रयास से ही निपटा जा सकता है, विशेष रूप से लोकतांत्रिक और पारदर्शी देशों द्वारा। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समय सभी देशों को अपने सभी संसाधनों को झोंकते हुए ट्रिप्स छूट का समर्थन देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वैक्सीन और दवाओं को पेटेंट मुक्त बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड से संबंधित तकनीकों को साझा करने और वैक्सीन और दवाओं के लिए कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। हम केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित वैक्सीन नीति के लिए सरकार की सराहना करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 75% वैक्सीन की खरीद करते हुए इसे राज्य सरकारों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना है, ताकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध हो सके। हम G7 राष्ट्र विशेष रूप से फ्रांस के रुख की सराहना करते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। इस मौके पर देश के कोने कोने और दुनिया के बाकी हिस्सों से 2000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संपूर्ण अलवर जिले में 200 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम और सांकेतिक प्रदर्शन किए जाएंगे। हम प्रबुद्ध नागरिकों से इस कार्यक्रम में भाग लेकर आगे आने और इस उद्देश्य के लिए अपना समर्थन देने का आह्वान करते हैं। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, पूर्व नगर पालिका उप अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, नगर संयोजक स्वदेशी जागरण मंच सरित कुमार वशिष्ठ, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजपाल मीना, बेनी प्रसाद सैनी, पार्षद राजू सैनी, राहुल गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। मचाड़ी कस्बे के नजदीक ग्राम पंचायत पाड़ा के सुईलाबास में क्षेत्रीय विधायक जौहरी लाल मीना के निजी आवास पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट क्षेत्रीय विधायक की पत्नी पांची देवी मीना के निधन हो जाने पर श्रद्धांजलि देने उनके निवास स्थान पर दोपहर में पहुंचे। पायलट ने क्षेत्रीय विधायक की पत्नी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण किया। पायलट ने क्षेत्रीय विधायक की कुशलता के बारे में जानकारी ली। पायलट करीब 10 मिनट तक विधायक निवास पर रहे। इसे पूर्व पायलट का जगह जगह गांव में फूल माला से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान, बांदीकुई विधायक गजराज खाटना, अलवर यूथ अध्यक्ष दीन बंधु शर्मा, दौसा विधायक मुरारी लाल मीना, पूर्व विधायक बस्ती राम यादव, रामगढ़ के पूर्व प्रधान नसरू खान, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सीताराम सैनी, श्री नारायण ठेकेदार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसे पूर्व पायलट दौसा से चलकर सीधे कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा के निवास पहुंचे। वहां से उनके बेटे के साथ खेड़ली के समीप समूची गांव के सैनिक के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवारजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। इस मौके पर सैनिक के परिवार ने सचिन पायलट को ज्ञापन सौंपकर सैनिक को शहीद का दर्जा देने और स्कूल का नाम सैनिक के नाम करने की मांग की। गोविंदगढ़ कस्बे में रेलवे फाटक के पास हनुमान कॉलोनी रामबास की निवासी मीरा कौर उर्फ खीरो ने गृह कलेश के चलते जहर खा लिया। युवती के 2 छोटे बच्चे थे, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था। युवती को गोविंदगढ़ के सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में युवती ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतका का देर शाम पोस्टमार्टम गोविंदगढ़ के सरकारी चिकित्सालय में करवा कर शव पीहर पक्ष के परिजनों को सौंप दिया। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ लड़की को जहर देकर मारने को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के बाद पीहर पक्ष के लोग सीधे ही शमशान ले गए। वहां उसका अंतिम संस्कार कर मौके पर थाना अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा मैं स्टाफ के साथ मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे के प्राचीन किले में सुप्रसिद्ध स्थित श्री गोविंद देव जी के प्राचीन मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भव्य और आकर्षक रूप में हुआ, जिसमें सभी कस्बे वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। इस कार्यक्रम में न्याणा के महंत बालक दास और भाजपा नेता सुखवंत सिंह सहित सब गणमान्य लोग मौजूद रहे। पाठ की समाप्ति के पश्चात गोविंद देव जी की संगीतमय आरती की गई और सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। सुजानगढ़ में आज विश्व योग दिवस पर बहुत से सरकारी और निजी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बदलते वक्त में लोगों ने योग के महत्व को समझा है और किसी न किसी रूप में इससे जुड़े हैं। सुजानगढ़ के गुरु फिटनेस एंड न्यूट्रिशन में योग ट्रेनर चित्रा योग के साथ जुम्बा और एक्सरसाइज भी करवाती हैं।
चित्रा ने बताया कि इन दिनों महिलाएं और युवतियों में जुम्बा और योग को लेकर बहुत क्रेज है। नए युग की लेडीज फिजिकल फिटनेस के साथ ही मेंटल फिटनेस भी बनाए रखना चाहती हैं। चित्रा ने कहा कि दिन भर के तनाव को दूर करने के लिए महिलाओं को खुद के लिए समय निकालना चाहिए। जिम के संचालक राकेश बागड़ा ने कहा कि बॉडी बिल्डिंग का तो क्रेज शुरू से ही रहा है, लेकिन अब युवाओं में मेंटल फिटनेस को लेकर भी बहुत जागरूकता आई है। उन्होंने कहा कि योग फेफड़ों को मजबूत करता है, शरीर को लचीला सुंदर बनाता है और हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। बैडमिंटन कोच विवेक बेदी ने कहा कि आजकल युवाओं में मोबाइल फोन का बहुत क्रेज है, युवा मोबाइल में डूबे रहते हैं, आउटडोर गेम्स भी बहुत कम खेले जाते हैं। ऐसे में युवाओं के लिए योग और एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। OLX पर ठगी और सेक्स चैटिंग कर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 9 सदस्यों को रामगढ़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। रामगढ़ थाना प्रभारी राम निवास मीना ने बताया कि पुलिस महानिदेशक हवा सिंह धुमरिया और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर रामगढ़ से करीब 4 किलोमीटर दूर कंजर बस्ती से जोहड़ बास होते हुए पिपरोली को जाने वाले रास्ते पर जौहड़ के पास पेड़ की छांव में करीब 9 से 10 युवक को एक साथ बैठे देखा, जो कि अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे। उन्होंने जैसे ही पुलिस को देखा तो इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर पहले से ही 2 अलग अलग टीमें बनाकर, जिसमें एक टीम थाना प्रभारी राम निवास मीना के नेतृत्व में और दूसरी टीम ASI नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनाई गई। दोनों टीमों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 9 युवकों को पकड़कर गिरफ्तार किया गया। युवकों को रामगढ़ थाना लाकर पूछताछ की तो उन्होंने OLX पर और सोशल साइट्स पर अपने आप को फौजी बताते हुए वाहनों के फोटो अपलोड कर बेचने की विज्ञापन देकर धोखाधड़ी कर ठगी करना कबूल किया और लड़कियों के नाम से फेसबुक और व्हाट्सएप पर फर्जी अकाउंट बना सेक्स चैटिंग का न्यूड वीडियो दिखाकर सामने वाले को भी न्यूड सीन दिखाने के लिए उकसाते, फिर से स्क्रीन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर बदनाम करने की धमकी देकर रुपए वसूलने की ठगी करना कबूल किया। थाना अधिकारी ने बताया कि इन लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल पर मोबाइल में लड़कियों के नाम से फर्जी अकाउंट बना रखे हैं और फर्जी सिम के जरिए ठगी और साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। जांच के अनुसार अभी तक इनके द्वारा करीब 50 लाख रुपए की ठगी की जा चुकी है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से अलग अलग कंपनियों के 15 मोबाइल और 14 विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी 8 अपराधी पिपरोली गांव थाना रामगढ़ के रहने वाले हैं। जालौर जिले की बागरा पुलिस ने 3 दिन पहले सियाणा कस्बे में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। SP श्याम सिंह के निर्देशानुसार जिले में चोरी और नकबजनी की वारदात की रोकथाम को लेकर थाना अधिकारी तेजू सिंह के नेतृत्व में बागरा हल्का क्षेत्र में वारदात का पर्दाफाश करने को लेकर टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा निरंतर गश्त के बाद सियाणा निवासी संजय कुमार, गोविंद, रमेश कुमार जोगी, पोसाराम और प्रकाश कुमार उर्फ बादाराम को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। आरोपियों ने 17 जून की रात में फैक्ट्री में चोरी करना स्वीकार किया। अब आरोपियों से प्रकरण में माल बरामद और अन्य वारदातों के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज जयपुर के सांगानेर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अनूपपुर में मनाया गया। योग दिवस के मौके पर कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से विशेष ध्यान दिया गया है। जयपुर के हर्षनाथ भैरव मंदिर में बटुक भैरव जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर आमेर के मंदिर में भगवान का सुबह अभिषेक करके सुंदर वस्त्र धारण कराए गए। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। कोरोना काल में भगवान से प्रार्थना की गई कि सभी स्वस्थ रहे। मंदिर महंत चतुर्भुज जी महाराज ने बताया कि काफी सालों से बटुक भैरव जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर श्रद्धालु आकर मंदिर में दर्शन करते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।